हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो डूइंग सो वेल। सो वेलकम टू लक्ष्मीज़ ब्लॉग्स इन लाइफस्टाइल। एंड आज का वीडियो होने वाला है, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, ज्वेलरी कलेक्शन। यस, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको पीसेस बताने वाली हूँ, देन स्टाइलिंग। सो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। सबसे फर्स्ट पीस है हमारे पास ये मल्टी कलर में चोकर एंड ईयरिंग। दिस इज़ फ्रॉम मीशो। एंड इसको आप चाहें तो सिर्फ चोकर एज इन स्टाइल कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ ईयरिंग पहनना हो तो सिर्फ ईयरिंग पहन सकते हैं। बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग। अगेन दिस इज़ द पीस आई एम हैविंग। दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट चोकर फ्लावर्स का। इसको भी आप अगेन सिर्फ चोकर पहन सकते हो, या ईयरिंग अकेले पहन सकते हो, या बोथ भी पहन सकते हो। साड़ीज़ वगैरह पे काफ़ी अच्छा जाएगा। एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा पीस है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। देन अगेन दिस इज़ अ स्टेटमेंट ईयरिंग फ्लावर का। देन दिस वन, ये भी आप इंडो वेस्टर्न में इसके साथ कैरी कर सकते हैं। देन ये थोड़ा सा मिरर वर्क है, सो यस, ये भी बहुत अच्छा लगता है हर एक कपड़ों पे, झुमका टाइप तो बहुत अच्छा लगता ही है। एंड इसका आप लोग ने अनबॉक्सिंग देखा होगा, मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एक छोटू सा पीस है, अगर छोटा मोटा कुछ फंक्शन है, और नहीं भी है, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल कुर्ती पे स्टाइल करना है, यू कैन स्टाइल एनी वे। देन अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, मैंने इसको बहुत बार पहना है, मुझे बहुत पसंद है ये। देन अगेन आई हैव दिस पीस, जो कि ये भी बहुत अच्छा जाता है कपड़ों पे। एंड देन ये ब्लैक ग्रे कलर का भी आया है ऑक्सीडाइज में, ये एक बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने अभी अभी लिया है। सो और इसमें थोड़ा बहुत स्टोन का भी काम है, तो अच्छा जाता है कपड़ों पे, मैंने एक ही बार पहना था। एंड देन ये एक हीरो है, मतलब ये आपको इस पर इसको आप किसी साड़ी के साथ या अच्छे ज्वेलरी के साथ पेयर कर सकते हो। एंड देन दिस वन, अगेन दिस वन इज़ अ झुमका काइंड ऑफ। देन ये भी बहुत प्रिटी लगता है पहनने के बाद, फेस पे अलग सा ग्लो आ जाता है। और देन आई हैव दिस लास्ट नोज़ पिन विथ मी। इफ़ यू वॉन्ट गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टूडे, बाई।